कर दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का इंग्लिश का पेपर होगा उसके लिए देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैंने वीडियो बना दी। उसमें लगभग मैंने 29 से 30 क्वेश्चन बताए थे और इसी वीडियो में मैंने बताया था कि अब अगर आप लोग 500 प्लस लाइक कर देते हैं तो मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनका मैं सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप आसानी से इन क्वेश्चनों को याद कर सकें। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन एक साथ लिखना संभव नहीं हो सकता, इसलिए मैं इस वीडियो में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन लिखूंगा जो कि आंसर लिख मान लीजिए 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन पार्ट 2 में। ठीक है, तो ये पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, तो आप पार्ट 1 जरूर, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जरूर देखना है, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि पार्ट 1 में ही सब क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे नहीं होगा। और आपको जो ये पूरे क्वेश्चन देखना है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे इंग्लिश के, तो आप लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हु आर द 2 साधु, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोडेस्टी एंड कंटेंटमेंट आर द 2 साधु। ठीक है, तो क्या मोडेस्टी और कंटेंटमेंट आर द 2 साधु। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हाट आर अर्थक्वेक जोन्स, तो प्रमुख बिंदु कौन से हैं भूकंप के, तो क्या हो जाएगा, द रिजीनियस वैन अर्थक्वेक आर मोस्ट लाइकली टू हैपन आर कॉल्ड अर्थक्वेक जोन्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द सन एड टू नेचर्स ब्यूटी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द सन एड्स टू नेचर्स ब्यूटी बाय स्टेइंग इन द स्काई। ठीक है, इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डज द फ्लोवर सिम्बोलाइज, इसका हो जाएगा द फ्लोवर सिम्बोलाइज द फ्रेशनेस ऑफ नेचर्स लव। ठीक है, देखिए इसमें मैं 15 क्वेश्चन, 15 या 20 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है, 15 से 19 क्वेश्चन, पर जो 11 क्वेश्चन बचेंगे ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको, देखिए ये क्वेश्चन इन्हीं में से पेपर आएगा, अलग से बिल्कुल नहीं आएगा, इन्हीं में से आपका पूरा कवर हो जाएगा जो क्वेश्चन क्वेश्चन का रहता है। वैसे भी आपके पास टाइम है और जो मैथ वाले कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, बहुत जल्द उनका वीडियो आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि वेयर डज द हार्ट ऑफ नेचर बीट, तो क्या द हार्ट ऑफ नेचर बीट इन रॉक्स। ठीक है, रॉक्स होता है। इसके बाद क्या है व्हाई इज द लैम्स कॉल डिस्क्राइब इनोसेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, द लैम्स कॉल एज डिस्क्राइब इनोसेंट बिकॉज इट इज द वॉइस ऑफ ए वेरी यंग एनिमल दैट इज सिंपली कॉलिंग इट्स मदर। ठीक है, चलिए सर देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को, देखिए अच्छी तरीके से कर लेना। क्या है कि नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, व्हाट डू द 2 रोड सिग्निफाई, तो इसका क्या हो जाएगा, द 2 रोड से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेना है, ऐसा करना कि भूलें ही नहीं कभी। क्या है कि द 2 रोड सिग्निफाई दैट दे आर इज ए चॉइस टू चूज, वन हैज टू मेक ए चॉइस एज इट इम्पॉसिबल फॉर वन टू टेक बोथ द रोड्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाट डिड द जज डिसाइड द केस ऑफ द राइटर एंड द फार्मर, तो द जज कॉल्ड द स्लेव एंड वाई सिंग्स आस्क्ड हिम टू पुट इंक इन टू हिज इन इंक स्टैंड, द स्लेव डिड द क्विकली एंड केयरफुली, दिस मेड जज रीच द, या रिच जो भी पढ़े द डिसीजन दैट द स्लेव वाज ऑफ द राइटर एंड नॉट ऑफ द फार्मर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द कैप्टन ऑफ द शिप लाई, तो द कैप्टन लाइज डेड ऑन द डेक ऑफ द शिप, यहाँ पर लाई लिख देना LIE। ठीक है, इसके बाद क्या है व्हाट शुड वी रिमूव फ्रॉम अवर हार्ट, तो वी शुड रिमूव द डार्क शेडोज ऑफ सिन फ्रॉम अवर हार्ट फर्स्ट शो एज टू प्योरीफाई अवर सेल्फ। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन 10 हो गए हैं, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इनमें से लगभग पार्ट 1 है, पार्ट 2 जरूर देखना आप लोग। इसके बाद है हु आर इंद्र एंड यम, तो क्या इंद्र इज द किंग ऑफ द गॉड एंड यम इज द गॉड ऑफ दैट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि हु इज रोज देन फेलवियर, तो क्या चीटिंग इज रोज देन फेलवियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसके बाद देख लेते हैं हु आर बुलीज द इजिएस्ट टू डिफीट, तो बुलीज आर द इजिएस्ट टू डिफीट बाय हैविंग करेज एंड ब्रेवरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हेन इज द शेपर्ड वॉचफुल, तो क्या द शेपर्ड इज वॉचफुल व्हेन द शीप आर क्वाइटली एज स्लीप। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ और पार्ट 2 जरूर बनाएं जल्दी से। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर प्रेस कर लेना। इसके बाद हु वाज लिटिल बॉय, तो क्या द लिटिल बॉय वाज ए
सैक्रेड सोल व्हेन द जेंट आस्क्ड हिम हु ही वाज ए स्ट्रांग अवे फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल बॉय ही टुक द जेंट टू हिज गार्डन विच इज पैराडाइज सो द लिटिल बॉय टुक हिम टू पैराडाइज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट डज द शेपर्ड डू ऑल द डे। तो द शेपर्ड फॉलोवर्स हिज शीप ऑल द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू डेफिनेटेड इन द वर्ल्ड। ठीक है, डिफीटेड क्या है, डिफीटेड क्या हो जाएगा, ए मैन बर्डनड विद डेब्ट एंड द फ्यूचर ऑफ ए गर्ल विदाउट गुड क्वालिटीज आर द टू डिफीटेड इन द वर्ल्ड। ठीक है, डिफीटेड इन द वर्ल्ड। इसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑन अर्थक्वेक व्हेन इट ऑक्योर अंडर सी। तो क्या हो जाएगा, व्हेन एन अर्थक्वेक ऑक्योर अंडर सी हग टाइडल वेव्स स्वीप इन लैंड। इसके बाद डिस्क्राइब द फर्स्ट पेशेंट। तो द फर्स्ट पेशेंट वाज ओल्ड एंड वेंट ऐसे पेल। ठीक है, एंड टूथलेस ही वाज आल्सो डीप एंड कुड हार्डली हियर ही कुड अंडरस्टैंड थिंग्स विद ग्रेट डिफिकल्टी ही यूज्ड क्रोस्टेस टू बीक। ठीक है, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, उनको उन वीडियो को भी आप देख लेना। अगर आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं जो मैंने 29-30 क्वेश्चन बताए थे, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लेना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। 10th लेवल 10th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप डाउटनेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको उसकी फोटो खींचने को अच्छी तरीके से क्रॉप कर लीजिए और फाइंड सॉल्यूशन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप फाइंड सॉल्यूशन क्लिक करेंगे तो आपको आंसर फंड मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर चेक आउट करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी के आप जो जिस क्वेश्चन में डाउट है उसका आंसर आपको मिल चुका है।